दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर से संबंधित बहुत जरूरी अपडेट निकल कर आ रही है। आपको बताऊंगा इस अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं अपडेट के बारे में पूरा डिटेल से। दोस्तों, एक अपडेट लगाई गई है नईदुनिया.com पर। अपडेट 3 अक्टूबर यानी कल शाम को 6:05 पर लगाई गई है। अपडेट में लिखा हुआ है, पेंशन न्यूज, देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए काम की खबर, बेसिक पेंशन को लेकर हो सकता है फैसला। अपडेट की माने तो देश के 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए यह एक अच्छी खबर है। जल्द ही इनकी बेसिक पेंशन की राशि में इजाफा हो सकता है। सरकार इस संबंध में निर्णय कर सकती है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ इसे लेकर व्यवस्था बना सकता है। असम में भाजपा ने श्रम मंत्रालय को इस आशय का एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में मासिक पेंशन राशि और अन्य सुविधाओं का लाभ 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों को दिलाए जाने की मांग की गई है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनएसी के अनुसार पेंशन भोगी महंगाई भत्ते के साथ मूल पेंशन 7,500 रुपए मासिक करने, पेंशन भोगियों के पति या पत्नी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा देने की मांग लंबे समय से की जा रही है। ईपीएस 95 एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत का कहना है कि 30 वर्ष तक काम करने और पेंशन फंड में योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के तौर पर केवल 2500 रुपए ही मिल रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि असम में भाजपा ने श्रम मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में 65 लाख पेंशनर्स की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और उस पर डीए मिलने की बात कही गई है। अगर इस प्रस्ताव पर श्रम मंत्रालय विचार करता है तो देश के 65 लाख पेंशनर्स को काफी बड़ा फायदा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस न्यूज को पूरे डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर क्लिक करके आप इस न्यूज को पूरा डिटेल से पढ़ सकते हैं। और अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइए आप लोग देश के किस राज्य से ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं। वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।